आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो आवर क्वेश्चन इज, अ पेंडुलम क्लॉक विद अ पेंडुलम मेड ऑफ इनवर्स लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज 0.7 इनटू 10 टू द माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस हैज अ पीरियड ऑफ 0.5 सेकंड्स एंड इज एक्यूरेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कह रहा है एक पेंडुलम क्लॉक है जिसका पेंडुलम जो है वो एक इनवर मटेरियल इनवर होता है, इनवर मटेरियल से बना हुआ है जिसका लीनियर कोफिशियंट हमें दे रखा है दैट इज 0.7 इंटू 10 टू द माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। और उस जो पेंडुलम क्लॉक है उसकी जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो कितनी दे रखी है 0.5 सेकेंड, और वो एक्यूरेट कितने पे है 25 डिग्री सेल्सियस पे एक्यूरेट है। ठीक है, इफ़ द क्लॉक इज यूज इन अ कंट्री वेयर द टेम्परेचर एवरेज 35 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है कि ये जो पेंडुलम क्लॉक थी अगर हम उसको किसी एक कंट्री में यूज़ करते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर एवरेज है वो कितनी है 35 डिग्री सेल्सियस है, तो कह रहा है व्हाट करेक्शन इज नीडेड एट द एंड ऑफ अ मंथ टू द टाइम गिवन बाय द क्लॉक। ठीक है, तो क्या करेक्शन करना होगा टाइम में एक महीने के बाद, ठीक है, जो क्लॉक हमें देगी। ठीक है, तो देखो जो पेंडुलम की टाइम पीरियड होती है, ठीक है, वो क्या होती है 2π टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ L/G, करेक्ट, ये होती है हमारी पेंडुलम की टाइम पीरियड। ठीक है, तो जब मेरा जो टेम्परेचर 25 डिग्री से हम जब उस पेंडुलम क्लॉक को 35 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, जो पेंडुलम की लेंथ है उसमें चेंज आएगा। ठीक है, और जो चेंज आएगा उसकी वजह से हमारी टाइम जो है वो वैरी करेगी। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है पेंडुलम क्लॉक का, उसमें देखिए 2π इज अ कॉन्स्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट, राइट। तो जो चेंज आएगी वो सिर्फ लेंथ की वजह से आएगी। ठीक है, और जो लेंथ में वेरिएशन आएगा वो लीनियर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो चेंज इन टाइम आएगी, टाइम पीरियड, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2 इंटू डेल्टा L/L। ओके, सो दिस मच विल बी द चेंज इन द टाइम पीरियड। ओके, नाउ जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो पेंडुलम की लेंथ में चेंज आएगी, तो कितनी आएगी, वो कितनी आएगी, डेल्टा L/L इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स डेल्टा ऑफ टी। ठीक है, यहाँ से डेल्टा L क्या आ गया, यहाँ से हमारा डेल्टा आ गया अल्फा L इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से जो डेल्टा L आया इसको उठा के हम इस इक्वेशन के डेल्टा L में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा एल डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल, करेक्ट। नो दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी कैंसल आउट, ठीक है, जो ओरिजिनल लेंथ थी पेंडुलम की। यहाँ से जो चेंज इन टाइम पीरियड आएगा वो कितनी आ जाएगी, अल्फा टी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टू, करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। ना हमसे पूछ क्या रहा है कि एक महीने के बाद जो टाइम पीरियड में करेक्शन करना होगा वो कितना करना होगा। ठीक है, तो एक महीने का कर लेते हैं दैट इज 30 डेज, ठीक है, अल्फा टी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, अब देखिए एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, एक दिन में हमारे 86400 सेकंड होते हैं, करेक्ट। तो 30 डे में कितना होगा, 30 इंटू दिस, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, दैट इज 30 इंटू 86400 सेकेंड्स इंटू अल्फा इंटू टाइम पीरियड इंटू चेंज इन द टेम्परेचर होल डिवाइडेड बाय टू, करेक्ट। नाउ हमें अल्फा की वैल्यू पता थी इन बार की, ठीक है, टाइम पीरियड हमें ओरिजिनल पता था कि पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड हमें क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर भी हमें पता है। ठीक है, सो नाउ पुट द वैल्यूज 86400 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी थी 0.7 इंटू 10^-6 पर डिग्री सेल्सियस, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड था वो 0.5 था और चेंज इन द टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री एक्यूरेट दे रहा था और 35 वाले पे कंट्री पे लेके गए थे, तो चेंज कितना हो गया 35-25 दैट इज 10, ओके, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो चेंज इन आ जाएगा वो आ जाएगा 4.536 सेकेंड। ठीक है, तो इतने का करेक्शन हमें करना होगा पेंडुलम क्लॉक में। ओके।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।